हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिजीत और आप देख रहे हैं अम्यूजिंग प्रोजेक्ट। तो मैं इस वीडियो में आपको एक इमरजेंसी चार्जर लाइट बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगा किससे इसको बनाया जाता है। वीडियो को स्किप मत करिए, आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम किससे के एक क्यूब बॉक्स चाहिए। ये सुगर क्यूब का बॉक्स है, आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी कार्डबोर्ड का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, और चाहे एक 4 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप, आप चाहे तो 8 mm का एलईडी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग रेजिस्टेंस चाहिए, इसका वैल्यू 100 ओम से लेके 1 किलो ओम तक हो सकता है, और चाहिए क्वानिन चार्जर सब डायोड। देन हम एक स्लाइडर स्विच को लेंगे, आपके पास स्लाइडर स्विच नहीं है तो आप किसी भी स्विच जो यूज़ कर सकते हैं। और चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट लेंगे, आप चाहे तो माइक्रो यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहिए इसका मेन पार्ट बैटरी, आप चाहे तो किसी भी मोबाइल का बैटरी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास नहीं है तो आप 3.7 वोल्ट का कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और चार्जिंग इंडिकेटर करने के लिए एक चार्जिंग इंडिकेटर चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के बेल को दबा के ऑल को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे नया नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए इमरजेंसी चार्जर लाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कवर के ऊपर का जो प्लास्टिक है उसको हम निकाल देंगे, ये जो है ईजिली निकल जाता है। और निकलने के बाद देख सकते हैं कितना ग्लॉसी लग रहा है। और इसके ऊपर में हम जो है चार्जिंग सॉकेट, स्विच और इंडिकेटर को लगाएंगे। तो हम जो एलईडी के ऊपर डबल साइड टेप लगा देंगे, और देन हम जो इसके ऊपर इसको लगा देंगे। और लगाने के बाद देख सकते हैं मैंने दोनों वायर को इसके साथ सोल्डर कर दिया है। ब्लैक वायर है नेगेटिव पर येलो वायर है पॉजिटिव। देन हम साइड में एक छोटा सा होल कर लेंगे और उसमें हम जो वायर को डाल देंगे। तो मैंने पहले ही बोला था ब्लैक है नेगेटिव और येलो है पॉजिटिव। उसके बाद हम जो इस तरह के स्विच को लेंगे और स्विच को हम जो यहाँ पे होल करके लगा देंगे। आपके पास इस तरह के स्विच अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी स्विच को जो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चार्जिंग सॉकेट को भी इसके साथ लगा लेंगे। इसके पहले से ही होल बना है, उसमें हम चार्जिंग सॉकेट को लगा देंगे। देन हम एक छोटा सा होल करेंगे, उसके अंदर जो है चार्जिंग इंडिकेटर को लगा देंगे। मैंने जो है रेड कलर का एलईडी यूज़ किया, आप चाहे तो किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो RGB यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो एलईडी का जो पॉजिटिव है उसको हम डायरेक्टली स्विच में लगा देंगे, और एक वायर को लेंगे और उसको हम जो स्विच के ऑपोजिट पोजीशन में लगा देंगे। देन हम बैटरी को लेंगे, और बैटरी का देख सकते ये वाला जो है पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, और इसका जो है साइड वाला जो है नेगेटिव। उसके बाद हम जो है स्विच के एक वायर को डायरेक्टली पॉजिटिव में और एलईडी के एक वायर को डायरेक्टली नेगेटिव में सोल्डर कर देंगे। और उसके बाद हम एक वायर को लेंगे और वायर को चार्जिंग सॉकेट और जो है चार्जर के पॉजिटिव पॉइंट का सोल्डर कर लेंगे। देन हम एक डायोड को लेंगे, और डायोड का जो एनोड पॉइंट है उसको हम डायरेक्टली नेगेटिव पॉइंट में सोल्डर कर लेंगे बैटरी का। और देन हम एक वायर को लेंगे और वायर को जो है डायोड के एनोड, सॉरी फ्रेंड, डायोड के कैथोड और चार्जिंग पिन के जो है नेगेटिव में सोल्डर कर लेंगे। देन इंडिकेटर का जो पॉजिटिव है उसको हम चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव, और इंडिकेटर को जो नेगेटिव है उसको हम रेजिस्टेंस के थ्रू नेगेटिव के सोल्डर कर लेंगे। मैंने रेजिस्टेंस जो है 470 ओम का यूज़ किया, आप चाहे तो किसी भी ओम का यूज़ कर सकते हैं, लगभग 1 किलो ओम तक आप यूज़ कर सकते हैं। देन हम इसको पूरा इंसुलेट कर लेंगे, और देन हम ये कवर को लगा देंगे। तो देख सकते ये कितना जो है ब्यूटीफुल लग रहा है। ये छोटा सा है, क्यूट सा है, थीन है और स्मॉल है, पोर्टेबल है, आप किसी भी जो है जगह पे इसको ले जा सकते हैं। और चार्जिंग भी पॉइंट है तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इससे ज़्यादा एलईडी भी इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो मैंने जितना एलईडी आपको मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो है बैकअप आपका कम जाएगा। आप ज़्यादा एलईडी यूज़ करेंगे तो आपका बैकअप जो है कमेगा, आप कम एलईडी यूज़ करेंगे तो आपका बैकअप जो है बढ़ेगा। और ये जो है रिचार्जेबल है, तो आप इसको जो है रिचार्ज भी कर सकते हैं, आपका जो है चार्ज खत्म हो गया तो आप जो है किसी भी चार्जिंग के थ्रू आप इसको जो है फुल चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग होने के समय इसका पास में जो एलईडी है रेड कलर का, वो भी ग्लो करता है, वो इंडिकेट करता है आपका जो है चार्जिंग हो रही है अभी। तो फ्रेंड ये छोटा सा है, आप इसको किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं, ये इतना छोटा है आप इसको पॉकेट में कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और अंधेरे के समय ये जो है बहुत काम का आएगा, क्योंकि इसका जो है ब्राइटनेस है बहुत ही अच्छा है, और लगभग ये चल जाता है। इसका बैकअप लगभग मैंने जो है 850 mAh का बैटरी यूज़ किया, इसीलिए इसका बैकअप जो है लगभग 6 से 7 आवर्स तक है।
आप इससे कम एमएएच का बैटरी यूज़ करेंगे तो आपका बैकअप थोड़ा सा कमेगा और इडली बहुत ज़्यादा हीट होता है। जो मैं फ़िलहाल इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।